आज की अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जानेंगे टेंस क्या होते हैं। अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एक्शन हैपन्स। देखते हैं कैसे। पहला सेंटेंस देखते हैं, हरी वर्क्स इन द फील्ड। यहाँ पे जो वर्ब है वह देख पा रहे होंगे आप, वो है वर्क्स। और यह जो वर्क्स है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब वर्क्स रेफर्स टू द प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट टाइम। वर्क्स मीन्स जहाँ पे एस लगा है मतलब काम होता है। दूसरा सेंटेंस, हरी वर्कड इन द फील्ड। यहाँ पे आएगा देखेंगे आप वर्कड। वर्कड कहाँ दिखा रहा है, पास्ट में दिखा रहा है, मतलब कि एक्शन जो था वो वाज है, यानी कि परफॉर्म हुआ है। समटाइम्स एगो इन द पास्ट, ये ध्यान देने वाली बात होती है। थर्ड सेंटेंस है अपने, हरी विल वर्क इन द फील्ड। हरी फील्ड में काम करेगा। इसमें विल वर्क रेफर कर रहा है किसको, फ्यूचर टेंस को। इसमें कह रहा है कि एक्शन विल बी परफॉर्म समटाइम्स इन फ्यूचर, फ्यूचर में होगा ये। तो ये प्रकार होते हैं इनके इस तरीके से। और जो इनकी खास बातें हैं, डिटेल्स हैं, वे हम आगे देखते हैं। अच्छा, इस प्रकार से हमें ये पता लगा कि ये इसके तीन प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कोई भी एक्शन है तो या तो अभी है या हुआ था या होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास आम है, टेंस पढ़ रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आम है तो आज हमारे थाली में है, दैट इज प्रेजेंट। मैं कह रहा हूँ कि देयर इज अ मैंगो, यहाँ एक मैंगो है, तो ये कौन सी बात कही मैंने, सिंपल प्रेजेंट टेंस कही। अगर मैं इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहूँ तो आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक मैंगो खा रहा हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट में कहूँ तो कहूँगा आई हैव ईटन, मैंने अभी अभी खाया है, मैंने आई जस्ट हैव फिनिश्ड माई मैंगो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रहा हूँ, बहुत देर से खा रहा हूँ। ऐसी तमाम चीज़ों को आगे हम देखने वाले हैं। इसके चार प्रकार होते हैं, पास्ट में भी यही चीज़ रहेगी, आगे करके देखेंगे इनको। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरीके से फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल फ्यूचर में कोई बात होगी, फ्यूचर कंटिन्यूस में फ्यूचर में काम चल रहा होगा। जैसे ही विल बी प्लेइंग दैट टाइम, है ना। जैसे मान लीजिए कोई मैच हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ही विल बी प्लेइंग एट सेवन ओ क्लॉक इन दैट पर्टिकुलर धर्मशाला स्टेडियम। फ्यूचर में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ही विल हैव बीन प्लेड, वो खेल चुका होगा। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। टू आवर्स अगर लग गया तो डिनोट कर रहा अवधि को, टाइम को, तो वहाँ पे फोर यूज होता है। कहाँ सिंस यूज होगा, कहाँ फोर यूज होगा, इन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में। ये पूरे के पूरे टेंसेज हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ।